नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल हमने वर्गमूल के बारे में बताया था और बताया था कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल को कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि से हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक भी बताई थी कि हम कितनी आसानी से उसको वर्गमूल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कल बच्चों हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बताए थे, आज हम आपके सामने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। तो बच्चों इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए बच्चों हम जानते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम किस तरह से आसानी से ज्ञात कर जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। आप जानते हैं कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं और ऐसे अभी भी होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होता है बच्चों बनी होती है, जैसे एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता है। तो बच्चों ये संख्या जैसे एक है, चार है, नौ है, सोलह है, पच्चीस है, ये संख्या हमारी कहलाएंगी परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सी होती है, जैसे बच्चों तीन है, दो है, तीन है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, ऐसी बच्चों जो स्क्वायर से नहीं बनी होती है उनको कहते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब हम आज जो जानेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन कौन सी संख्या होती है। कल मैंने आपको जो क्लास ली थी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में ली थी। देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, एक होता है। चार का कितना होता है बच्चों, तो चार का बच्चों दो होता है। अब बच्चों हम देखेंगे नौ का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, तो बच्चों तीन होता है। सोलह का कितना होता है बच्चों, तो सोलह का चार होता है। बच्चों यहां पर देखेंगे पच्चीस का कितना होता है, तो बच्चों पांच होता है। यहां पर देखेंगे बच्चों छत्तीस का कितना होता है, तो छह होता है। इसी तरह से बच्चों और देखेंगे हम आगे, जैसे उनचास का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, सात होता है। एक और देख लेते हैं, जैसे बच्चों चौंसठ का परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट कितना होता है, आठ होता है। जैसे बच्चों इक्यासी का कितना होता है, 81 का नाइन होता है। और बच्चों एक और देखेंगे 100 का कितना होता है बच्चों, 10 होता है। और 121 का कितना होता है, 11 होता है। और बच्चों 144 का कितना होता है, 12 होता है। इसी तरह से बच्चों कल हमने आपको आसानी से निकालना भी बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम किस तरह से गुणनखंड विधि से और किस तरह से भाग विधि से और किस तरह से ट्रिक से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज बच्चों हम जानेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ऐसी संख्या जिनको जिनको हम रूट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। जैसे बच्चों ये टू ले लिया हमने, अब टू टू क्या रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता, लेकिन समथिंग लगभग में हम किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे बच्चों थ्री हुआ, ठीक है, जैसे बच्चों फाइव हुआ, जैसे बच्चों सिक्स, सेवन, एट, टेन, और भी बच्चों आगे बहुत सारी संख्या है, मैं आपको यह बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके सामने एक इतनी बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, ये तो बच्चों आपको पता होगा कि आप सब बच्चों को इतना तो याद होता है कि टू का होता है 1.414 और थ्री का भी बच्चों आपको याद होगा 1.732, ये सब बच्चों को याद है। मैं उनके बताऊंगा जिनके आपको कभी याद नहीं रहते, जैसे फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, टेन है, और जैसे इलेवन है, ठीक है, थर्टीन है, फोर्टीन है, फिफ्टीन है, सेवनटीन है, नाइनटीन है, एटीन है, बच्चों इनके किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने हम लेके चल रहे हैं फाइव का, किसका, फाइव का। तो बच्चों आपको थोड़ा सा फोकस करना है मेरी तरफ, बहुत से आपने देखे होंगे इसको फॉर्मूले से बताते हैं, मैं बच्चों आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। देखिए मेरी कितनी बेहतरीन ट्रिक है बच्चों, करना क्या है आपको, देखिए ये जो फाइव है बच्चों, फाइव को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदलने की कोशिश करनी है। फाइव के किसने नजदीक दिख रहा है आपको, फोर के, तो आपको बच्चों क्या करना है, फोर लिखना है और फोर से कितना ज्यादा है, वन, क्या करना है बच्चों, फाइव को फोर और वन। अब बच्चों आपको क्या करना है, जैसे ये फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है, टू, आपके सामने फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है, टू। अब बच्चों ये जो वन है, वन को रखना है और इसका दुगना लिखना है, दो का दुगना कितना हो गया बच्चों, चार, समझ में आ रहा होगा। अब आपको करना है चार दूनी आठ, वो आठ भी ये प्लस चिन्ह दिख रहा है, चार दूनी आठ और एक नौ,
तो ऊपर तो बच्चों हो गया 9 और नीचे कितना रहेगा बच्चों 4। अब आपको बच्चों किस तरह से सॉल्व करना है, आपने इसमें भाग दिया तो 4 × 2 = 8 दो बार जाएगा, जा रहा होगा दो बार जा रहा है, अब एक बच गया पॉइंट लगाएंगे 0 = 10 हो जाएगा, तो 4 × 8 फिर दो बार जाएगा बच्चों, फिर 20 हो गया, 4 × 4 = 16। देखा बच्चों आपने, लगभग हमने 2 पॉइंट के बाद 2 अंक तक हमने आसानी से रूट 5 का निकाल लिया। एक और बच्चों देखते हैं हम देखते हैं रूट 6। देखिए बच्चों रूट 6 का हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, अच्छी तरह से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा। जैसे बच्चों आपने ये ले लिया 6, 6 को किसके नजदीक दिख रहा है 4 के, आपको क्या करना है बच्चों 4 प्लस कितना ज्यादा दिख रहा है 2, 4 प्लस 2 तभी तो 6 होगा, 4 प्लस 2। अब आपको बच्चों पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आपने यहां लिख लिया बच्चों 2 लिख लिया। अब आपने ये जो 2 है वो बच्चों इधर रखना है, और इसका दोगुना कितना होता है बच्चों 4, समझ में आ रहा होगा, इसका दोगुना कितना होता है 4, 2 से इसे भाग दे दिया, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, समझ में आ गया होगा, 2 × 2 = 4 और 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 5 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 2। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड 2 × 2 = 4, एक बचेगा पॉइंट लगने के बाद 0 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 बच्चों लगभग 2.5। तो इस तरह से आप देखोगे रूट 6 का हमने आसानी से निकाला, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और बहुत मजा आ रहा होगा बच्चों आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लेके आ रहा हूं बच्चों, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 7 है, अब ये बच्चों किसके नजदीक है 9 के नजदीक है, किसके नजदीक है 9 के, तो बच्चों आप क्या करोगे 9 − 2 क्या कर लोगे बच्चों 9 − 2, क्योंकि 9 में से 2 घटाने पर बच्चों कितना आएगा 7। अब आपको बच्चों पता है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, अब ये जो माइनस है माइनस रखोगे 2 को 2 ऐसी रखोगे, और इसका दोगुना कितना हो गया बच्चों 6, समझ में आ गया होगा, 2 से इसमें 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, अब आपको क्या करना है 3 × 9 और 9 में से 1 घट जाएगा तो बच्चों बचेगा 8 और नीचे कितना है 3 बच्चों। अब आपको बच्चों भाग दे देना है 3 × 6 = 6, अब बच्चों 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा पॉइंट लगने के बाद में, तो 3 × 6 = 18, फिर बच जाएगा 2 तो 3 × 6 = 18, तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक लगभग आसानी से आप रूट 7 का भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे बच्चों हमें रूट 8 का स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, तो किसके नजदीक है 9 के नजदीक है बच्चों, आपको करना क्या है समझ में आ गया होगा 9 − 1, क्या करना है 9 − 1, और 9 का कितना स्क्वायर रूट होता है बच्चों 3, 3 − 1 इसका दोगुना कितना होता है बच्चों 6, समझ में आ रहा होगा इसका दोगुना कितना होता है 6। अब इसका आपको गुणा करना है बच्चों 3 × 6 = 18, 18 में से 3 × 6 = 18 में से 1 गया तो 17, 17/3 कितना हो गया बच्चों 6, 17/6 कितना हो गया 17/6। अब आपको डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड करेंगे तो कितना करेंगे 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, अब कितना बचेगा बच्चों 5, कितना बचेगा 5, तो 50 हो जाएगा पॉइंट के बाद में, तो 6 × 8 = 48, फिर कितना बच्चों बचेगा फिर 2 बचेगा फिर 6 × 3 = 18, तो बच्चों रूट 8 का परफेक्ट नॉन परफेक्ट इसको रूट कितना हो जाएगा 2.83 लगभग, आप तुरंत ही इसको आंसर दे सकते हैं। जैसे बच्चों हम 10 का जानेंगे, किसका जानेंगे बच्चों 10 का, 10 का जानेंगे बच्चों आपको करना क्या है, अब फटाफट कर सकते हैं 9 + 1, क्योंकि 10 होता है बच्चों कितना होता है 9 + 10 होता है, 9 का कितना हो गया 3, इसे 1, इसका दोगुना कितना हो गया 6, 6 × 3 = 18, 1 = 19, 19/6 भाग देना है बच्चों 6 × 3 = 18 पॉइंट, 6 × 3 = 1 बच गया, 6 × 1 = 6, फिर कितना 4 बचा, 6 × 6 = 36, इस तरह से बच्चों हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और बच्चों आगे देख लेते हैं सामने ऐसी बेहतरीन, कल जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आने वाला हूं, ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूं बच्चों जो आप कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, मैं जो कराने वाला हूं वो आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, तो बच्चों जल्दी से लाइक कर दीजिए। जैसे बच्चों हम देखते हैं 13 का बच्चों किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो 13 का ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, हम ये देखेंगे बच्चों किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, तो 13 किसके नजदीक है बच्चों, आपने 13 16 के नजदीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, हम लिखेंगे 16 − 3, क्या लिखेंगे बच्चों 16 − 3, अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 4, तो 4 − 3 इसका दोगुना कितना होता है बच्चों 8, अब क्या करोगे 8 × 32 और 32 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 29 और नीचे 8 है, अब आपको बच्चों क्या करना है डिवाइड कर लेना है ना, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 5 बचेगा, 8 × 6 = 48,
आठ छक्के 48, फिर दो बच्चे का 8 दूनी 16, तो बच्चों कितना आ गया 3.62। तो 13 का भी बड़ी आसानी से हमने ज्ञात। अगला देख लेते हैं बच्चों 47 का। चलिए ये तो बहुत बड़ी संख्या बच्चों, इसका किस तरह से आसानी से ज्ञात करेंगे। तो 47 का बच्चों क्या करना है, ये किसके नजदीक है, 49 के। ये देखिए 49 के नजदीक है, तो 49 माइनस 2 करोगे तो 47 ही होगा। अब ये कितने का होता है बच्चों, 7, तो 7 माइनस 2 बटे इसका दुगना बच्चों 14 है। 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 7 14। अब आपको करना क्या है, 7 7 49 में से एक जाएगा बच्चों 48, 48 बटे 7, 7 में डिवाइड करना है बच्चों, तो 7 6 42, 6 बच जाएगा, 42 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 56, फिर बच्चों कितना बचेगा 4, 7 5 35। देखो बच्चों लगभग हमने 47 का 6.85 तक आसानी से परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ संख्याएं मैं आपको दे रहा हूं, बच्चों आपको क्या करना है, सॉल्व करके अगर आपको सीख गए हो, अगर आपको मजा आ रहा है करने में, तो सॉल्व करके बच्चों कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, और उन बच्चों को मैं नाम भी बोलूंगा। जो बच्चे अच्छी तरह से जल्दी मेरे पास कमेंट करके भेजेंगे, मैं उनको कल नाम बोलूंगा किसने अच्छा किया है किसने सही नहीं किया है, उसके बारे में कल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जैसे बच्चों 23, एक आपको ये करना है, दूसरा है बच्चों 29, दूसरा है 29, तीसरा है 31, चौथा है 37, पांचवा है 39। तो बच्चों इनके कमेंट करके इनके आपको हमें जवाब देने हैं, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजना है, जिसका सही होगा उसके नाम बोलूंगा, और बच्चों मुझे भी पता लग जाएगा कि आपने मेरी क्लास से आपने मेरे पढ़ाने से कितना सीखा है। तो बच्चों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक की तरफ लेके चलूंगा, तो बच्चों कल की भी वीडियो हमें हमारी वीडियो को टाइम से देखना। नमस्कार।